चलिए बताइए कि इन चीजों में कौन सी बात एक जैसी है। बिना ड्राइवर वाली कारें, सुरक्षा कैमरे, फसल काटने वाले हार्वेस्टर्स। हाँ सही कहा, इन तीनों में कोई भी इंसान नहीं है। स्वागत है आप सबका चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति में, जहाँ मिलेंगे आपको रोबोट्स, संवर्धित वास्तविकता या ऑगमेंटेड रियलिटी, व्यक्तिगत विनिर्माण और 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहली औद्योगिक क्रांति भाप के इंजन के बल पर थी, जिसकी मदद से लोग और चीजें दोनों को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता था। दूसरी क्रांति थी असेंबली लाइन विनिर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन, जिसकी वजह से सब कुछ सस्ता होने लगा। और तीसरी क्रांति हुई कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के आने से। एक समय ऐसा था जब निर्माण के लिए जरूरत होती थी जमीन की, कारखानों के लिए मजदूर की और पैसा, जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अमीर देशों के पास पैसा था, जबकि गरीब देशों के पास लाखों मजदूर। तो काम वही गया जहां लोग सस्ते मिलते थे, जैसे कपड़े सिलाई के कारखाने, जहां सैकड़ों लोग एक साथ काम करते थे, और कॉल सेंटर्स। वहीं अमीर देशों ने नई तकनीक विकसित की और एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाई। इंटरनेट की मदद से कंपनियां ऐसी फैली जैसे पहले कभी नहीं फैली थी। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी वॉलमार्ट ने भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को लगभग 1,10,000 करोड़ में खरीदा। एप्पल लगभग $1 ट्रिलियन के बराबर है। तुलना में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा है। टेक कंपनियां अब अपने धन से ऐसी मशीनें बना रही हैं जो कि बिना इंसान के चलाई जा सके, और ये इतनी सफल हो रही हैं कि 2033 तक नौकरियां इतनी कम हो जाएंगी। अमेरिका 47%, चीन 77% और भारत 69%। तो ये तो था नौकरियों का नुकसान। अब जरा ये भी देख लीजिए, खुद से चलने वाली गाड़ियां अपने आप हर रेड लाइट पर रुकने के लिए बनाई जाएंगी। इसका मतलब ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसे विस्तार में समझते हैं। ना ही गाड़ी लेन कटिंग करेगी, मतलब कम दुर्घटना। कम दुर्घटना यानी मैकेनिक की जरूरतें कम। लो एक और नौकरी गई। ये चक्र कभी नहीं रुकेगा। अगर कम लोग काम करते हैं तो इसका मतलब है कि कम लोगों को वेतन मिलेगा, जिससे दुकानों पर खर्च भी कम होगा, यानी उत्पादन भी कम होगा, और ये चक्र दोबारा चलता ही रहेगा। क्या आपको पता है, जिला अदालतों में 2/3 विवाद भूमि और संपत्ति रजिस्ट्री की वजह से होते हैं। लैंड रिकॉर्ड में ब्लॉकचेन के उपयोग से विवादों को घटाकर शून्य पर ला सकता है। ऑटोमेशन के कारण 21 लाख नौकरियां तो बनेंगी, मगर बदले में 71 लाख नौकरियां खोई भी जाएंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि खुद बिल गेट्स भी सदमे में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रास्ते पर हमें धीरे धीरे चलना होगा। हो सकता है कि हमें आने वाले सालों में रोबोटों पे कर लगाना पड़े। हालांकि हम इंसान पहले भी कई बाधाओं का सामना कर चुके हैं। जब पहले TV आया तो लोगों ने सोचा, अब फिल्म में कौन जाएगा? और वैसे ही जब किताबें डिजिटल हुई तो बुक्स की दुकानें बंद होने लगी, लेकिन तब भी लोगों ने किताबें खरीदी, लेकिन डिजिटल। इसमें तो मैं कई सारी किताबें पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हैं? पहला, कौशल यानी स्किल सीखिए, डिग्री नहीं, और अपग्रेड करते रहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी को और जानिए। तीसरा, अलग अलग विषयों की जानकारी रखिए। आने वाला बदलाव दुनिया की कमाई को $15 ट्रिलियन से बढ़ा सकता है, जिसमें भारत को 6,50,000 करोड़ का लाभ होने की उम्मीद है। क्या हम तैयार हैं? भारत, नेपाल और म्यांमार के 800 स्कूलों ने अप्रैल 2018 में उज्जैन में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन में भाग लिया, जहां बच्चों ने अपने सीखे गए ज्ञान को दर्शाया। योगासन, वैदिक और संस्कृत ग्रंथों के मंत्र और घोड़ों की घुड़सवारी, अश्वारोहण। प्रिंसिपल और टीचर ने ज्ञान यज्ञ, ज्ञान बलिदान और गौरवशाली इतिहास में भाग लिया। इस शैक्षिक सम्मेलन के खास मेहमान MP सत्यपाल सिंह थे, जिन्हें बेबुनियादी बातें फैलाने की आदत थी। बंदर से मनुष्य भला कोई कैसे बन सकता है? बुजुर्गों ने संघीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन किया, हम चाहते हैं कि देश के सभी स्कूलों को हमारे जैसे गुरुकुल में परिवर्तित करने पर आप विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जरूर विचार करेगी कि कैसे गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा को मिलाया जा सके।
अच्छा, आधुनिक गुरुकुल वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि सामान्य स्कूल जैसे और को एजुकेशन भी, पर जहां शिक्षकों को कल के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। बिल्कुल मदरसों जैसे, जो कुरानी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो गुरुकुल की तरह आधुनिक ज्ञान से घबराते हैं। क्या होगा उनका जब घुड़सवार और पवित्र शास्त्र की नौकरियां नहीं मिलेंगी? हमेशा की तरह भारत का कुछ हिस्सा तैयार हो रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2019 तक 2000 स्कूलों में रोबोट, 3D प्रिंटिंग आदि के साथ टीचरिंग लैब्स बन रही हैं, जो युवा दिमागों को उत्तेजित करेगी। IIT मुंबई और अमेरिकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र गिरीश नायर भारत की नई जनरेशन को शिक्षित करने के लिए लौट आए हैं। हमने सिलिकॉन वैली जैसी तकनीकी लैब स्थापित की है, यहाँ तक कि वो 5वीं और 6ठी के बच्चों को ऑटो कैड भी सिखाते हैं। लेकिन इस नई दुनिया में सब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सरकारें मुफ्त में पैसे देने के लिए तैयार हो रही है, जैसे नीदरलैंड, मेरी सरकार मुझे हर महीने 65,000 रुपए देती है। कनाडा, हमें 1,00,000 रुपए हर महीने मिलता है। हमें 65,000? इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI कहा जाता है, जो कि इंसान की मूल जरूरतों को पूरा करती है, रोटी, कपड़ा और मकान। भारत के युवाओं को आने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति को अपनाना चाहिए, बिल्कुल जैसे हमने तीसरे कंप्यूटर क्रांति पर अपना रोब जमाया है। बिस्बो की शायरी, यंत्र करेंगे काम सब ये कल का संसार, नई चुनौती के लिए क्या हम भी तैयार, शिक्षा के नए रूप की अब हमको दरकार, इस औद्योगिक क्रांति के तभी खुलेंगे द्वार। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।